अयोध्या का फैसला आने पर इस अभिनेता के पिता ने कहा वहां मस्जिद नहीं स्कूल बनना चाहिए। आज हम आपको एक अभिनेता के पिता के बारे में बताएंगे जिन्होंने अयोध्या का फैसला आने पर कहा कि वहां मस्जिद नहीं बल्कि स्कूल बनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जिस अभिनेता के पिता की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान है। सलीम खान के तीन बेटे हैं सलमान खान, सोहेल खान और अरबाज खान। सलमान खान को तो आप अच्छी तरह जानते हैं जो आज बॉलीवुड के जाने माने सुपरस्टार हैं। तीनों बेटे आज अपने जीवन में काफी सफल हो गए हैं। अयोध्या का फैसला आने पर सलीम खान ने कहा कि मुसलमानों को दी जाने वाली 5 एकड़ की जमीन पर मस्जिद नहीं बल्कि स्कूल बनना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को मस्जिद से ज्यादा स्कूल की जरूरत है। नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन अच्छी शिक्षा पाना बेहद जरूरी है। इससे मुसलमानों की काफी समस्या दूर हो जाएगी। बात करें सलमान खान के वर्क फ्रंट की तो उनकी आने वाली फिल्म का नाम है दबंग 3। यह फिल्म 20 दिसंबर 2019 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रभुदेवा ने। यह फिल्म एक्शन और रोमांच से भरपूर होगी।